हेलो माय फ्रेंड्स माय सर प्रकृति रावल और आज हम करने वाले हैं चैप्टर द अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम नाम सुना है हाँ हाँ सुना होगा स्पोर्ट्स की दुनिया में इनका ना बहुत नाम है मतलब स्पोर्ट्स में इनका नाम तो जरूर आएगा तो आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा तो ये ना मेरी कॉम की पूरी ऑटोबायोग्राफी है यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से उनकी, उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी किससे वो इन्फ्लुएंस हुई थी और इसके बाद ये चैप्टर के बाद नीचे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है मतलब इसी चैप्टर में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया तो आपको ये भी आइडिया होगा कि किस तरह से इंटरव्यू इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको आता है ना राइटिंग स्कस में एग्जाम्स में तो यहाँ पर आपको कुछ वो एग्जाम्पल भी देखा मतलब इंडायरेक्टली आपको दो एक तीर से दो निशाने मैं दो तीर से एक निशान बनने आ रही थी सो so, एक ती से दो निशा एक तो आप उनको उनके बारे में भी बताया जा रहा है और किस तरह से इंटरव्यू लिया जा रहा है लिया जाता है मतलब आपको थोड़ा एक राइटिंग स्किल भी सिखाया जा रहा है ठीक है तो चलो आ जाते चैप्टर पे सो मैरी कॉम चंग मैरी कॉम वॉज बॉर्न ऑन ट्वेंटी फोर्थ नवंबर ओलंपिक इंडियन बॉक्सर तो उनका बेटर बेटर नेम की मतलब उनका पूरा नाम क्या है बट उनको सब लोग क्या बोलते हैं मैरी कॉम इज एन ओलंपिक इंडियन बॉक्स हेलिंग हेलिंग वो बिलोंग करती है फ्रॉम द कोम ट्राइब इन मणिपुर तो मणिपुर में ना एक कबीला है कोम करके तो वो वहां से बिलोंग करती है शी इज अ फाइव टाइम वर्ल्ड एम बॉक्सिंग चैंपियन तो वो फाइव टाइम्स वर्ल्ड एम बॉक्सिंग चैंपियन है एंड ओनली वुमेन बॉक्सर टू हैव अ मेडल इन ईच वन ऑफ द सिक्स वर्ल्ड चैंपियन और वो एक ऐसी पहली बॉक्सर है जिन्होंने ये सिक्स सिक्स वर्ल्ड चैंपियन में ना हर एक मैच में हर एक इवेंट uh, में उन्होंने एटलीस्ट uh, मतलब एक मेडल तो जीता ही है निक नेम मैग्नीपिशंट मैरी शी इज़ द ओनली इंडियन वुमेन बॉक्सर टू हैव क्वालिफाइड द समर टू ट्वेंटी ट्वेल्व समर ओलम्पिक्स कॉम्पिटिंग इन द फ्लाई वेट फिफ्टी वन कैटेगरी एंड विनिंग द ब्रॉन्स मेडल तो उनका पहली बार उनको फेम कैसे मिला था जब उन्होंने पार्ट लिया था इन द जब वो क्वालिफाई थी किसके लिए समर ओलंपिक ओलंपिक हुआ था 2012 में और वहाँ पर फिफ्टी वन के जी कैटेगरी मतलब एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर उनको खेलना पड़ता है तो बॉक्सिंग करनी पड़ती है फिफ्टी वन के कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्स मेडल जीता था तो चलो अब आ जाते चैप्टर पे इंट्रोडक्शन के बाद

कि मतलब हर बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली है उनके बारे में मतलब अच्छी चीज़ें बोली है और ये उनको क्या बोला गया अ वॉरियर एंड द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो लोगों के दिल पे कब्जा किया लोगों पे कब्जा कर लिया उन्होंने बाय हर स्पोर्ट्स बाय बिनिंग द मेडल्स ये हम वैसा दूसरा कब्जे की बात नहीं कर रहे ठीक है सो दिस वॉरियर इज़ नन अदर देन मैरी मैक कॉम तो ये वॉरियर वा, कौन है ये वॉरियर है मैरी मैक् कॉम द कॉम कर एंड द कॉमरेड मतलब यहाँ पर यह ऐसा वर्ड नहीं होता है बस कॉम करर एंड कॉमरेड सी ओ एम आर ए डी एंड सी ओ ए सी ओ एंड क्यू यू आर ओ आर तो उनको है ना बस मैरी कॉम के वर्ड में डालने के लिए उनके नेम को में डालने के लिए कॉम करर ए ना कॉम

चूरा चंदपुर ऑफ रूरल मणिपुर ठीक है She came from a poor family. Her parents Mangte Tonpa Kom and Mangte Akham Kom were tenant farmer who worked in Jhum fields. तो वो ना बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते कि उनकी जो या उनके पेरेंट्स के नाम बोले गए उनके फादर उनके मदर के ठीक है तो वो ना टेनेंट फार्मर्स थे मतलब ऐसे होता है ना जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास लैंड होती है तो वो लोग कुछ फार्मर को हायर करते कुछ फार्मर को वहाँ पर लेबर के लिए दे देते कि आपको इस फार्म पे ये बड़े लैंड पे खेती करनी है ठीक है तो उनके पेरेंट्स वही करते थे देवे और टेनेंट फार्मर्स ठीक है किराए के फार्मर्स थे ठीक है और कहाँ वो करते थे झूम झुमफेड़ झूम फिर में मतलब फार्मिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब ये अलग अलग, अलग कल्टीवेशन करते थे अलग टाइप के क्रॉप्स उगाते थे ठीक है कॉम ग्री ऑप इन हम्बल सराउंडिंग तो कॉम कॉन मैरी कॉम ना ये कैसे सराउंडिंग में परी बढ़ी एकदम हम्बल मतलब शांत सिंपल साधारण से सराउंडिंग में पैदा हुई थी पैदा हुई थी और पली बड़ी थी हेल्पिंग हर पेरेंट्स विद फार्म रिलेटेड चोर्स अपने पेरेंट्स को हेल्प करती थी फार्म रिलेटेड काम में देन गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग एथलेटिक्स इनिशियली और वो स्कूल जाने लिया और उन्होंने वो एथलेटिक्स सीखती थी और साथ ही साथ वो क्या करती थी बॉक्सिंग भी एंड लेटर बाद में पहले एथलेटिक्स करते थे और बाद में उन्होंने क्या किया बॉक्सिंग पे शिफ्ट हो गई वो हर फादर अ नील रेस्लर इन इज़ यंगर एज उनके जो फादर है ना वो एक बहुत स्मार्ट uh, बहुत स्किलफुल रेस्लर थे इन हिज यंग एज She had in an eager interest in athletics since childhood and the success. तो उनको ना हमेशा से ना एथलेटिक्स मतलब हमेशा से उनको स्पोर्ट्स में ना बहुत इंटरेस्ट था ठीक है बहुत ईगर इंटरेस्ट था एंड द सक्सेस ऑफ डिंको सिंह डिंको सिंह फेलो मनीपुर रिटर्न फ्रॉम द एट बैंक ऑफ एशियन गेम्स विद अ गोल्ड मेडल कॉम हैड इंस्पायर्ड मेनी यंगस्टर्स इन मणिपुर टू ट्राई बॉक्सिंग एंड शी हैड थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई तो कह कहा जा रहा है ना तब ना उनके टाइम पे ना एक पर्सन थे दैट वॉज अ डिंको सिंह जो है ना जो मणिपुर रिटर्न हुए थे कहाँ से 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स में जहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और जब उन्होंने ये जीता ना तभी ना उन्होंने वहाँ पर मणिपुर के लो, लोगों में से ना बहुत लोगों को बहुत इंस्पायर किया था और उन्हीं में से एक मैरी कॉम भी थी वो खुद भी इंस्पायर हुई थी और उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना बॉक्सिंग को एक ट्राई दिया जाए मेरी कॉम्स करियर स्टार्टेड इन ट्वेंट टू थाउजेंड आफ्टर हफ विक्ट्री इन द मणिपुर स्टेट वुमन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप एंड द रीजनल चैंपियनशिप इन वेस्टर्न बंगाल तो उनका करियर कैसे स्टार्ट हुआ जब उन्होंने जीता मणिपुर स्टेट वुमेन्स चैंपियनशिप एंड रीजनल चैंपियनशिप इन ट्वेंटी टू थाउजेंड वन शी स्टार्ट कम्पीटिंग एट इंटरनेशनल लेवल तो वो टू थाउजेंड वन में उन्होंने स्टार्ट किया कंपीटिंग ऑन इंटरनेशनल लेवल शी वॉज ओनली एटीन ईयर्स ओल्ड वन शी मेड हर इंटरनेशनल डेब्यूट मतलब वो सिर्फ एटीन ईयर्स ओल्ड थी जब उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यूट डेब्यूट मीन्स फर्स्ट पब्लिक अपियरेंस और परफॉर्मेंस मतलब पहली बार उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर सबके सामने प्रजेंट किया था इंडिया को बॉक्सिंग uh, किया था एट द फर्स्ट आई ए बी ए वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन यूनाइटेड स्टेट्स विनिंग अल्वर मेडल इन द फोर्टी एट के जी वेट कैटेगरी तो उन्होंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल गेम uh, खेला था विच वॉज आई बी एस वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और वो किस कैटेगरी के अंदर थे 48 एट के कैटेगरी के अंदर थी सो हर ग्रेटेस्ट इज थ्री एंड फोर्स थ्री मीन स्ट्रेंथ एंड मतलब उनकी जो ग्रेटनेस है उनकी जो uh, बड़ी बात है वो स्ट्रेंथन होते किस चीज़ से बाय द वे शी अपोलॉजाइज टू द वर्ल्ड नेशन फॉर नॉट बीइंग एबल टू विन द गोल्ड शी इज़ अ लेजेंड फॉर श्योर एन आइडल फॉर ऑल द स्पोर्ट्स वुमेन टू लुक अप टू तो उनको ही ना उनकी ग्रेटनेस की है ना हमें उनकी ग्रेटनेस की वजह मिल जाती है ये बोलने के लिए कि वो ग्रेट है क्योंकि ना जब वो मेडल नहीं जीत पाए कंट्री के लिए तो उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी ठीक है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप इतने बड़े लेवल पे जाओ बॉक्स uh, करो बॉक्सिंग uh, करो अपने कंट्री के लिए एंड आप मेडल ही जीत ली इसलिए आपने अपने कंट्री से माफी भी मांगी तो उन्हें कहीं ना कहीं लेजेंड बोला गया उसके लिए वन हु वनको हिस्ट्री शी द फर्स्ट टू गो दैट एन आइडल फॉर ऑल द स्पोर्ट्स और वो एक आइडल बन गई सब स्पोर्ट्स वुमेन के लिए ठीक है अभी देखो यहाँ पर इंटरव्यू बताया था ना इंटरव्यू सिखाएंगे यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली तो चलो अभी देखते हैं उनको इंटरव्यू कैसे किया गया था इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद स्पोर्ट्स कीड़ा ओल्पिकॉर द ओल समर ओल्पिकीता था ना फर्स्ट इंडियन टू विन विन ब्रॉन्ज मेडल इन ओलम्पिक्स राइट तो उन्होंने जब वो जीता ना ब्रॉन्ज मेडल तब ने उन, उसी के बाद ना उनका इंटरव्यू हुआ है तो हम देखेंगे उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू First things first, you are the फर्स्ट यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन India. एंड the फॉर इंडिया हैज द फीलिंग कंप्लीटली रही कि ना तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप फर्स्ट वुमेन वीमेन बॉक्सर हो इंडियन फीमेल बॉक्सर जिसने ना ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक लेवल पे जाके तो आपको कैसा लग रहा है क्या अभी भी आप ये एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि आपने वो मेडल जीता है क्योंकि कभी कभी कैसे हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा होता है तो हमें हजम ही नहीं होती वो चीज़ की कैसे हो गया तो वही उनसे क्वेश्चन पूछा तो मेरी कॉम ने क्या जवाब दिया आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट एंड येस इट इज़ यट टू सिंक इन आई एम जस्ट सो एक्सिलेटेड सिंक इन मीन्स रियलाइज एंड एक्सेप्ट राइट तो वही वो कह रही है मेरी कॉम कि ना हाँ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है लेकिन मैं अभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ यू है ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग डिट डेट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू तो वो अकेली फीमेल बॉक्सर थी जो ए, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी तो यहाँ पर इंटरव्यू पूछ रहा था क्या उस uh, वो चीज ने आप पे प्रेशर दिया था तो, बोले थी, no, no तो नहीं कि, मैं बिल्कुल भी नहीं डरी क्योंकि आत्मविश्वास था कॉन्फिडेंट थी ठीक है एंड और उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है ठीक है इससे हमें पता चला कि शी वॉज वेरी ब्रेव वुमेन शी वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट वुमेन एंड यू शुड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट यू आर डूइंग ओके नाउ कोच

उनके साथ अकम्पिटिंग करने के लिए ओलंपिक्स में जब वो गए थे तो उनके साथ उनके कोच को आने नहीं दिया गया था ठीक है तो वही उनसे पूछा रहा है कि क्या वो आपके प्रिपरेशन में अफेक्ट पड़ा था तो उन्होंने क्या जवाब दिया वेल आई डिड मिस हिम देअर बट थैंकफुली वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर तो देखिए हाँ मैंने उनको मिस किया मेरे कॉम कह रही है कि हाँ मैंने अपने कोच को मिस किया लेकिन हम लोग ने अपना होमवर्क ऑलरेडी कर लिया था मतलब उन्होंने ऑलरेडी पूरी प्रैक्टिस कर चुके, चुके थे वो लोग और वो लोग रेडी थे वॉर के लिए मतलब रेडी थे बॉक्सिंग के लिए एंड शी वाज वेल प्रिपेयर्ड यस नाउ ड्यूरिंग यूर प्रिपरेशंस फॉर द ओलंपिक्स यू स्पेड विद द मेल बॉक्सर्स ऑफ द इंडियन कॉन्टीजेंट हु वॉज योर फेवरेट स्पेरिंग पार्टनर स्पेरिंग पार्टनर मीन इमोशंस ऑफ बॉक्सिंग डूइंग ट्रेनिंग विदाउट लर्निंग एक्चुअल दोस्त मतलब आपने देखी होगी ऐसे मूवीज वगैरह में सुल्तान में देखा होगा इनफेक्ट मैरी कॉम मूवी भी देखी होगी आपने प्रियंका चोपड़ा थी उस मूवी में राइट हाँ तो उस मूवी में आप देखोगे कि कि जब भी बॉक्सर्स लोग सीखते हैं तो ना कुछ और मतलब जब भी वो लोग को कुछ प्रैक्टिस करनी होती है तो वो लोग ऐसे फेक मूव्स वगैरह करते हैं कि वो लोग एटलीस्ट अपने टैक्टिक्स का अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस पर ध्यान रखें लेकिन वो एक्चुअली दूसरे से पाइट नहीं दे दूसरे को मारते नहीं है बस वो थो थोड़ा सा उनके जो टैक्टिक्स है उनकी जो स्ट्रैटेजीज से उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करते तो जो जो ऐसे स्पेयरिंग पार्टनर मतलब जो ऐसे टैक्टिक्स वगैरह करने में हेल्प करते बॉक्सिंग करने में ऐसा एक्सरसाइज आई मीन I mean, प्रैक्टिस करने में जो हेल्प करते हैं उनको क्या बोला जाता है स्पेयरिंग पार्टनर बोला जाता है ठीक है तो वही उनसे पूछा जा रहा है कि ना आपके प्रिपरेशन के टाइम क्या आपके बहुत सारे मेल बॉक्सर्स क्या उन्होंने आपकी हेल्प की थी अगर हेल्प की थी तो आपके सबसे फेवरेट स्पेयरिंग पार्टनर कौन थे लाफ हाँ 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 वेल आई ड्रेन हार्ड इन पुणे एंडने बोला था कि हाँ मैंने वेल well, तो उन्होंने हंसते बोला well, मैंने प्रैक्टिस तो की थी पुणे में लेकिन यहाँ पर भी आने के बाद मुझे ऐसे बहुत सारे मेल बॉक्सेस ने हेल्प किया प्रैक्टिस करने के लिए जब भी, भी मैंने उनको कहा सो so, अगर मैं किसी एक का नाम लूँगी तो वो उनके लिए अनफेयर होगा यू कोटेड सेंग एडम्स adams was very clever, a counter-puncher, but although she carried power, she wasn't very tactical. she wasn't very tactical. तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं इंटरव्यूअर कि आपको ये बोलते हुए सुना गया है कि जो एडम्स मतलब जिनकी जो, जो उनके ओपोनेंट थी जिनके साथ उन्होंने शायद बॉक्सिंग की थी शायद नहीं उन्होंने बॉक्सिंग की थी तो वो है ना बहुत स्ट्रांग थी काउंटर पंच थी, मतलब जो बहुत अच्छा पंच करती थी एंड शी वॉज वेरी टैक्टिक कैरिट पावर बहुत पावर था एंड शी वॉज बट शी वॉज एन वेरी टैक्टिकल लेकिन वो टैक्टिकल्स नहीं मतलब बोलते ना आप बोलते ना अक्ल बड़ी की बहस तो अकल इवन तो आप अच्छा बोलते ना इवन तो आपके आपके मूव इतने पावरफुल नहीं लेकिन आपका एक पर्टिकुलर टैक्टिक्स होना चाहिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होना चाहिए उसके हिसाब से आपको वॉक करना चाहिए आर ऑफ स्कोरिंग बट दिस वे आर नॉट प्रेशरिंग द बटन तो वही वो कह रही है कि शायद उनके साथ अभी कुछ हुआ रहेगा अनफेयर वगैरह तो भी वो कह रही है कि मेरे न, मैं स्कोर कर रही थी बट फिर भी वो जजेस लोग पार्शल कर रहे थे वो लोग प्रेस बटन प्रेस नहीं कर रहे थे डू यू थिंक डॉजी जजिंग वॉज पार्ट ऑफ द रीज़न फॉर योर लॉस इन द सेमीफिन डॉजी मीन्स पार्शियल तो वो कह रही है कि आ, क्या आपको लगता है कि ये जो पार्शियल जजिंग हुआ था वहां पर वो कहीं ना कहीं रीजन है आपका लॉस इन द सेमीफिनि मेरीकॉम यस आई थिंक सम ऑफ द डिसीजन वे आर अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क टू माई बेनिफिट तो मेरी कह रही है कि हाँ मुझे लगता है कि जो कुछ डिसीजन थे ना वो अनफॉर्चुनेट मतलब बदकिसती बदकिस्मत थे लेकिन आ, और वो मेरे बेनिफिट के लिए मेरे यूजफुल मेरे लिए यूजफुल नहीं थे इंटरव्यू इंडिया मैनेज जस्ट सिक्स मेडल्स इन दी ट्वीट ओलंपिक्स इवन दो नेशन ऑफ वन इज टू थ्री बिलियन पीपल वेर डू यू थिंक अ चांस चेंज इज रिक्वायर टू गेट हेल्प अस विन मेडल्स डेट आर प्रोपोर्शनेट विद आर पॉपुलेशन तो इंटरव्यू कह रहेगी ना हम जो इंडियंस हैं ना उन्होंने ना ओलंपिक्स में उस टाइम के ओलंपिक्स में ना सिर्फ सिक्स मेडल्स जीते गिन चुन के जबकि हमारा पॉपुलेशन कितना है वन इज टू थ्री बिलियन पीपल का पॉपुलेशन है और हमने सिर्फ मेडल जीते छे तो ये बहुत कम नहीं हो गया लाइक एज कम्पेयर मतलब आधे का भी पौना भी नहीं हुआ एकदम छोटू सा भी नहीं हुआ ठीक है तो वही वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ये चेंज होना जरूरी है हमारे कंट्री में ताकि बहुत और भी लोग मेडल्स लेके आए ना कंट्री मेरे को आई थिंक मोर मोर एंड पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट एज अ फुल टाइम करियर इफ़ यू वांट मोर गोल्ड मेडल्स तो कह रही है कि मुझे ना कि बहुत सारे लोग को, को ना स्पोर्ट्स को ना फुल टाइम करियर लेना चाहिए क्योंकि लोग यूजुअली क्या करते हैं स्टडी को प्रायटाइज करते कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा स्टेरियो है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे खुदोगे तो हो गए खराब तो कहीं ना कहीं कही लोगों में ये थिंकिंग अभी भी है और तभी तो बहुत ज़्यादा ही थी तो वहाँ पर लोग ना क्या करते थे पढ़ाई भी करते थे स्पोर्ट्स भी देते थे तो वो दोनों चीज़ साथ में ये नहीं हो पाती थी सैमि वो दोनों ही नहीं कर पाते थे तो वही वो कह रही थी कि ना उन्हें ना स्पोर्ट्स को ना क्या करना चाहिए फुल टाइम करना मतलब सिर्फ और सिर्फ सिर्फ स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए मोर कॉरपोरेट शुड कम इन एंड स्पॉन्सर्ड प्लेयर एट द प्लेयर्स डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रेशर एंड कैन जस्ट फोकस ऑन द गेम्स अभी अगर आपको कोई गेम खेलना है तो आपको ना फाइनेंस भी चाहिए राइट आपको कहीं बड़े बड़े शोज में जाने अपना स्किल्स दिखाना तो आपको फाइनेंस में चाहिए तो वही वो कह रही है कि ना जो मोर कॉरपोरेट मतलब जो बिजनेस वर्ल्ड है ना जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है ना उनको सामने आना चाहिए और फाइनेंस करना चाहिए स्पॉन्सर करना चाहिए ऐसे अच्छे अच्छे टैलेंट्स के डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स तो कह रहे कि क्या आपको लगता है कि जो इंटरेस्ट है ना बॉक्सिंग का जो इंटरेस्ट है ना क्या वो कभी जाएगा बियॉन्ड द ओलंपिक्स ये आई एम श्योर डेट इन अ फ्यू इयर्स बॉक्सिंग विल बी वेरी पॉपुलर अमॉन्ग एवरी वन इन इंडिया ऑल इयर अराउंड तो पहले बॉक्सिंग आप इतने सुने नहीं होंगे बॉक्सिंग के बारे में ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेल्व तक तभी क्रिकेट सुना होगा हॉकी सुना होगा फुटबॉल सुना होगा बॉक्सिंग इतना सुना नहीं था स्पोर्ट्स के बारे में लेकिन अभी उसके बारे में लोग हर कोई जानते हैं तो वही मेरे कॉम बोल रही हैं कि हाँ मैं श्योर हूँ कि कुछ सालों में ये जो बॉक्सिंग है ना वो बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स में इंक्लूड होगा देन इंटरव्यू हाउ अवेयर आर इंडियन वुमेन्स ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स जो हम लोग का डाइट वगैरह होता है जो जो हमारे बॉडी को जिससे ताकत मिल रही है वो सब चीज़ों को खाना पीना ये सब न्यूट्रिशन में आता है ठीक है डाइट एंड न्यूट्रिशन मस्ट हैव बीन अ की फैक्टर इन योर कंडीशनिंग फॉर द ओलंपिक्स तो वही वो पूछ रहे हैं कि ना आपके लिए तो डाइट और न्यूट्रिशन बहुत की फैक्टर था आपका ओलंपिक्स में पार्ट लेने के लिए डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज अ नेगलेटेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स तो वही वो कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि जो न्यूट्रिशन पार्ट है वो नेगलेक्ट किया जा रहा है इंडियन स्पोर्ट्स में मेरे कॉम द अवेयरनेस इज ग्रोइंग नाउ अमॉन्ग द फीमेल एथलीट्स कम्स टू न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट तो कह रही है कि हाँ अभी जो अवेयरनेस है ना जो लोग जानते हैं ना न्यूट्रिशन के बारे में वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है लोगों में लोग लोगमेंस में बढ़ रही धीरे धीरे वुमेन्स जान रही है, है. In Indian, uh, so, कि न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन इज डेफिनेटली बीन ने निगलेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स तो कह रही है कि न्यूट्रिशन को ना कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से नेग्लेक्ट किया गया है इंडियन स्पोर्ट्स में I I I had to gain 3 kg since I had to to gain kg 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 since fight fight in in. that that 51 kg event instead of the usual 48 मुझे ना तीन kg ज्यादा बढ़ाना पड़ा क्योंकि वो अभी तक 48 kg area में fight कर रही थी तो उनको अपना diet और nutrition को देखते हुए उनको तीन kg बढ़ाना पड़ा ताकि वो 51 kg में कैटेगरी में फाइट कर सके सो टू टू फोकस ऑन एंड आई गेन वेट द राइट काइंड ऑफ फूड देन बैड फैट्स तो उन्होंने ना राइट काइंड ऑफ फूड मतलब मोटे हो ना तो, तो फैट्स वगैरह खा के भी हो सकते हैं लेकिन उन्होंने कुछ हेल्दी हेल्दी फूड न्यूट्रिशियस फूड खा के अपना वेट गेन किया फैट नहीं फैट खा के नहीं ना हाउ बिग अ रोल डिड ओ जी क्यू प्लेज ओ जी क्यू इज ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट ये हेल्प करती है जो इंडियन uh, uh, जो भी स्पोर्ट्स के कैंडिडेट uh, है उनको ओलंपिक्स में लेके जाने के लिए ठीक है हाउ बिग अ रोल डिड ओ जिकू प्ले इन शेपिंग द बॉक्सिंग सीन इन इंडिया फॉर द बेटर तो कह रहे हैं कि क्या कैसा रोल प्ले किया है ओ जिक्यू ने टू शेप द बॉक्सिंग सीन इन इंडिया फॉर द बेटर मेरी कॉम ओ जिक्यू रियली प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन माई सक्सेस दे हेल्प मी आउट वेन आई नीडेड समथिंग दे टू केयर ऑफ एवरीथिंग विच हेल्प मी फोकस सॉरी ऑन आई बॉक्सिंग एंड कैप्टन स्ट्रेस फ्री तो कह रही ना ओ जी की उन्हें ना उनकी बहुत हेल्प की जब भी उनको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट जब भी उनको कुछ खाना था पीना था तो उनको वहाँ वो उनके सामने लाया गया मतलब उनको दिया गया और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थे सब उनकी पूरी किए गए और ताकि वो अपने बॉक्सिंग पे फोकस कर सके व्हाट्स योर नाउ इंटरव्यू व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग तो अभी मेरी कॉम को पूछा जा रहा है इंटरव्यू क्या पूछ रहा है कि आपका क्या ओपिनियन है फ्यूचर ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट जो हमारा फ्यूचर है वो बहुत चमकदार है एंड आई एम श्योर मेनी मोर बॉक्सेस विल गेट मेडल्स फॉर और वो श्योर है कि बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस है जो हमारे लिए मेडल लेके आएंगे इंटरव्यू Do you डू यू फाइंड इट convince your child not to fight when they watch you go out and do it in a style all the time? तो यहाँ पर इंटरव्यू पूछा कि क्या ये डिफिकल्ट है आपके बच्चों को समझाना कि बाहर जाके फाइट नहीं करना है जबकि आप जाके ओलम्पिक्स में जो मैचेस में जाके एकदम स्टाइल के साथ फाइट करते हैं मतलब क्योंकि बच्चे तो क्या सोचते होंगे कि अरे मेरी मम्मी फाइटर हो चलो जाकर मैं भी फाइटिंग फाइटिंग करता हूँ ऐसे रैंडमली रैंडम किसी से फाइटिंग करते हैं लेकिन तो वही वो पूछ रहे कि क्या ये हार है कन्विंस करना कि हमें कब फाइट करना चाहिए मतलब मैचेस के दौरान ही फाइट करना चाहिए ऐसे बाहर जाके खाली पीट का वॉयनेस नहीं करना चाहिए वेल आई हैव ट्विंस एंड इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू कीप देम अंडर कंट्रोल तो मेरे का वही बोल रही है कि हाँ मेरे पास मेरे ट्विंस हैं तो ये ये कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है उनको अंडर कंट्रोल में रखना क्योंकि दो बच्चे और वो लोग आपस में दूसरे के साथ फाइट वाइट करते हो तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता होगा उनको कंट्रोल के अंदर रखना न इंटरव्यू विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्स एज वेल तो इन्होंने पूछा कि आप अपने बच्चों को भी ट्रेन करोगे बॉक्सर बनने के लिए मेरे को आई हैव एट रियली थॉट अबाउट इट एज ऑफ नाव लेट देर मदर बॉक्स लेट देर मदर बॉक्स तो लेकिन मैंने अभी तक इसके लिए सोचा नहीं है लेकिन अभी के लिए उनकी माँ को बॉक्सिंग करने दो उनको उसमें इंक्लूड नहीं करो इंटरव्यू यू हैव ब्रोकन सैरल स्टेडियो टाइप अबाउट द वुमेन इन इंडिया बाई आई शोइंग दैट वुमेन कैन कम्पीट विथ मैन इन एनी फील्ड बट हाउ गुड आर यू एड ट्रेडिशनल फेमेन एंड एक्टिविटीज लाइक कुकिंग तो मोदें कि आप ना बहुत स्टेडियोटाइप मतलब जो सालों से जो चलती आ रहा है कि वुमेन घर का काम करेगी वुमेन आदमी के साथ करने से कंधा नहीं मिला सकती तो आपने ऐसे ना बहुत सारे स्टेडियोटाइप तोड़े हैं आपने जहाँ आपने मैन के साथ बहुत फील्ड में फाइट किया है बट uh, हमें आप uh, तो आप तो उसमें माहिर हो लेकिन हमें आपसे ये भी पूछना है कि क्या आप जो फेमिनाइन वर्क है लाइक like जो कुकिंग वगैरह ये जो फेमिनाइन ट्रेडिशनल वर्क है क्या आप वो भी कर लेती है तो मेरी कॉम बोले वेल आई एम गुड एट कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क टू तो मेरी कॉम बोले कि हाँ मैं कुकिंग में अच्छी हूँ और जो बाकी के घर का घर के काम है उसमें भी एंड वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन वुमेन इन बॉक्सिंग वन डे तो इंटरव्यू पूछे कि क्या आप इंटरेस्टेड हो गए इन कोचिंग क्या आप इंटरेस्टेड होगे कोचिंग करने के लिए इंडियन वुमेन्स मतलब जो भी बॉक्सिंग चाहते हैं उनको कोच करने के लिए को, उनके कोच बनने के लिए क्या कभी आप इंटरेस्टेड हो गए तो मैंने कहा लेट्स सी इन द फ्यूचर मे बी यस तो मैंने कहा दे, hm, देखते हैं इन द फ्यूचर हाँ शायद कर सकते हैं देन इंटर वट डू यू प्रीफर बिंग कॉल्ड सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर तो इंडिया पूछता कि आपको क्या आपको क्या बुलाना चाहिए एक सुपर मॉम या एक सुपर बॉक्सर तो मेरी कॉम बोलती है आई लव बिंग अ मॉम दैट्स द बेस्ट थिंग तो वो कहती है कि मुझे ना मॉम मॉम बनना मुझे एक माँ बनना बहुत पसंद आया लाइक आई लव मुझे बहुत प्यार है कि मैं एक माँ हूँ और वो उनके उनका माँ बनना ही उनके लिए सबसे बेस्ट थिंग हुआ है इसलिए तो बोला गया इसलिए इस टाइटल को क्या नाम दिया गया द अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम सो आई होप आपको चैप्टर समझा होगा अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना जितना हो सके उतना शेयर करना बाय एवरी